दोस्तों ये है ब्लापंक्ट कंपनी का ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड। इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको इस प्रोडक्ट के खास फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा। ये जो ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड है इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और ये IPX5 सर्टिफाइड है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है ब्लाउपंक्ट कंपनी का ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड मॉडल नंबर BTW01। इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है, इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और ये जो ब्लाउपंक्ट कंपनी है ये एक जर्मन ब्रांड है। और ये देखिए जो की स्पेसिफिकेशंस है वो बॉक्स पर दिया हुआ है। इसमें डायनामिक माइक्रोफोन का भी उपयोग किया गया है। ये IPX5 सर्टिफाइड है, मतलब कि स्वेट रेजिस्टेंट है। और इसका जो ईयरबड है इस पर टच कंट्रोल्स दिया हुआ है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। वैसे जो ट्रू ब्लूटूथ ईयरबड है इसकी कीमत है 4,999 रुपये, अमेजोन पर अवेलेबल है। ये लीजिए, बॉक्स को मैंने खोल दिया है और देख सकते हैं कि इस प्रकार से इस ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड को पैक किया हुआ है। ये है इसका चार्जिंग केस। तो सबसे पहले जो चार्जिंग केस है इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ। देख सकते हैं कि बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म का चार्जिंग केस है। और ये देखिए यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट है जिसका उपयोग करके इसमें जो बिल्ट इन बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे। तो ये जो चार्जिंग केस है ये इस प्रकार से आप इसे खोल सकते हैं और इसमें आपको जो ईयरबड्स है उसे रखना है। स्टोरेज के लिए भी काम आता है और अगर आपको जो ईयरबड्स है उसे चार्ज करना है तो आपको इस चार्जिंग केस में उसे रखना पड़ेगा। तो फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर है दो ईयरबड्स, तो इन्हें भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये है ब्लॉपॉइंट ईयरबड्स, फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ और बॉक्स में देखते हैं और क्या क्या है। ये देखिए अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल भी मिलता है। ये है यूज़र मैनुअल जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और साथ में एक छोटा सा डिब्बा भी दिया हुआ है। इसे भी मैं खोल देता हूँ। और ये जो डिब्बा है इसके अंदर है USB to Micro USB डेटा केबल जिसका उपयोग करके जो चार्जिंग केस है उसे आप चार्ज कर पाएंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग कैप्स भी आपको मिलते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस बॉक्स पैक के अंदर मिलेगी। इन ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है और मेटालिक फिनिशिंग के साथ में आता है। ये देखिए मैट फिनिशिंग है, काले रंग का है और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स है। यहाँ पर L भी लिखा हुआ है, इसे आपको लेफ्ट ईयर में पहनना है। और अगर आप ये दूसरा ईयरबड देखें तो ये देखिए यहाँ पर LED नोटिफिकेशन भी है और ये पेयरिंग मोड में चले गया है। ये जो ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि ये वाला जो ईयरबड है ये इसके साथ में कनेक्ट हो चुका है और अब ये आपके स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट होने वाला है। और जब आप इन दोनों ईयरबड्स का उपयोग करते हैं तो आपको एक स्टीरियो इफेक्ट मिलता है, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा वायर के। अब जब कभी आप इन ईयरबड्स का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे इस चार्जिंग केस में रख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये चार्जिंग केस में समा जाता है। ये मैग्नेटिक है, आपस में चिपक जाते हैं जो चार्जिंग केस है और जो ईयरबड्स है ये देखिए। और जैसे ही मैंने इन्हें चार्जिंग केस में डाल दिया है देख सकते हैं कि लाल LED इस पर ब्लिंक होना शुरू हो गया है, मतलब कि ये जो चार्जिंग केस है इन ईयरबड्स को इसने चार्ज करना शुरू कर दिया है। मैं इस प्रकार से इसे स्टोर कर सकता हूँ या जब चाहे मुझे अगर गाना एंजॉय करना है या इन ईयरबड्स का उपयोग करना है तो मैं इस चार्जिंग केस को इस प्रकार से खोल सकता हूँ और इन ईयरबड्स को इस प्रकार से बाहर निकालना है। देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इन्हें बाहर निकाला ये जो ईयरबड्स हैं ऑटोमेटिकली ऑन हो गए हैं। तो आपको ये जो टच बटन्स हैं इनका उपयोग करके इसे बार बार ऑन या ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है जैसे ही आप इस चार्जिंग केस से इसे बाहर निकालते हैं तो। और जब आप इस चार्जिंग केस में इसे डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाते हैं और जो ईयरबड्स हैं जो चार्जिंग केस है इन ईयरबड्स को चार्ज करना शुरू कर देता है। मैंने मेरे स्मार्टफोन को इस ईयरबड्स के साथ में कनेक्ट कर लिया है और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इन टच बटन्स का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए ये है लेफ्ट ईयरबड और ये है राइट ईयरबड। तो अगर मुझे गाना प्ले करना है, फिलहाल तो ये पॉज हो गया है, इसे अगर मुझे प्ले करना है तो मैं इन दोनों में से कोई भी ईयरबड्स को डबल टैप कर सकता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से और जो गाना है वो प्ले होना शुरू हो गया है। ये देखिए मान लीजिए मुझे प्रीवियस सॉन्ग में जाना है तो मैं ये जो लेफ्ट ईयरबड है इसे मुझे प्रेस करके कुछ देर होल्ड करना है, 2 सेकंड होल्ड करना है। ये देखिए अब ये प्रीवियस सॉन्ग में चले गया है। और मुझे अगर नेक्स्ट सॉन्ग में जाना है तो जो राइट ईयरबड है उस पर जो टच सेंसिटिव बटन दिया हुआ है उसे मुझे टैप करके 2 सेकंड होल्ड करना है फिर छोड़ देना है। और ये देखिए अब ये नेक्स्ट सॉन्ग में चल जाएगा।
ये देखिए अब ये नेक्स्ट सॉन्ग में चले गया है। तो इस प्रकार से आप जो मीडिया है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करना है, फिलहाल मैं आईफोन का उपयोग कर रहा हूँ, मुझे सीरी को एक्टिवेट करना है, तो इन दोनों में से कोई भी ईयरबड्स को जो टच सेंसिटिव बटन है उसे मुझे 3 बार प्रेस करना है। तो ये देखिए 1, 2, 3 और ये देखिए जो सीरी है वो एक्टिवेट हो गया है। तो इस प्रकार से मैं जो वॉइस असिस्टेंट है उसे एक्टिवेट कर सकता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं तो गूगल असिस्टेंट को भी आप इस प्रकार से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इन ईयरबड्स को आप पहन सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है। ये देखिए मेरे कानों में बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट हो गया है और ये एक तरह से मेरे कानों को सील भी कर देता है। इसमें वॉइस नोटिफिकेशन है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जो आपको बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ भी देता है, रेंज भी काफ़ी बढ़िया होता है और जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। अब ये जो चार्जिंग केस है इसमें 500 mAh की बैटरी है और इसका उपयोग करके आप इन ईयरबड्स को चार्ज कर पाएंगे। इन ईयरबड्स को आप तकरीबन 4 बार फुल चार्ज कर पाएंगे इस चार्जिंग केस का उपयोग करके। और ये जो ईयरबड्स है फुल चार्ज पर आपको तकरीबन 6 घंटे का नॉनस्टॉप यूसेज देगा। अब साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो बेस बहुत ही बढ़िया है, जैसे इंडियन यूजर्स को पसंद आता है। वोकल्स काफ़ी क्लियर है और जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं इसे रेटिंग दूं आउट ऑफ 5 तो इन ईयरबड्स को मैं 4.6 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। आमतौर पे जितने भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स को मैं 4.5 या उससे ज़्यादा का रेटिंग देता हूँ, उसे आप आंख बंद करके खरीद सकते हैं। इसे मैं 4.6 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दे रहा हूँ, मतलब कि बहुत ही बढ़िया है। अभी जो ईयरबड्स है ये अमेजोन पर अवेलेबल है, कीमत है 4,999 रुपये। जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इन ईयरबड्स का मैं गिव अवे कर रहा हूँ और गिव अवे में भाग लेने के लिए आपको मुझे मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ, उसका आप मुझे जवाब देना है। प्रश्न ये है कि ये जो ब्लापुंक्ट ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड है इसमें सबसे बढ़िया चीज़ आपको क्या लगी, कमेंट्स के माध्यम से आपको मुझे बताना है। मैं 30 तारीख को एक विनर को सेलेक्ट करने वाला हूँ और उस विनर को मिलने वाला है ये ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड, जिसकी क्वालिटी वाकई में काफ़ी बढ़िया है। तो 30 तारीख को आप फिर से आ सकते हैं, इस वीडियो को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि विनर कौन है। जो पहला कमेंट है उसे चेक कीजिए, जिसे मैं पिन कर दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि विनर कौन है, हो सकता है कि आप भी जीत जाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए और देखते रहिए।